brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जय श्री राम। नहीं, ये मुझे क्या क्या कहेंगे? जय श्री राम मैं बता तो रहा हूँ। कोई ऐसा विरोध है आपका? कोई भी इंसान इमली का पानी पी के कुछ भी बोल सकता है। ई है अलीगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम। हवाओं और रिपोर्ट्स की माने तो इलाके में दबाकर विरोध हुआ है, लेकिन गुरु यह नेताजी, इन्होंने सबकी रिपोर्ट को हवा बनाकर धुआं में उड़ा दिया। सवाल पूछा गया कि नेताजी, बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के गांव में ही वोट नहीं मिला। सवाल सुनते ही नेताजी ने रामास्त्र निकाल दिया, विरोध के नाम पर जय श्री राम कहने लगे। दोबारा पूछा तो इमली का पानी पिला दिया। जय श्री राम। नहीं, ये मुझे क्या क्या कहेंगे? जय श्री राम मैं बता तो रहा हूँ। कोई ऐसा विरोध है आपका? कोई भी इंसान इमली का पानी पी के कुछ भी बोल सकता है। यही नहीं, नेताजी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। साफ साफ कह दिया कि 4 लाख से ही जीतूंगा। पूरा का पूरा दिन हो गया, वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, 6 बज चुके हैं। जी क्या रहा पूरा? बहुत अच्छा रहा। लोगों ने, गरीब ने, किसान ने, उत्थान ने, सब मोदी को कमल को खिलाया। मुस्लिम बहनों ने वोट दिया, वो सामने आपके दिखाई देगा। इस बार पूरे जैसे खैर से लेकर और अतरौली की बात करें, जमा की बात करें, चारों देखिए, पांचों विधानसभा में एक तरफा वोट है। 4 लाख की जीत होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपको सामने दिखाई देगा 4 जून। अच्छा जी, क्लियर। आप भी घूमे होंगे, आपको भी पता लगा हो। किससे फाइट लग रही है आप? किसी से फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं। 4 लाख की जीत में फाइट से क्या मतलब? कोई दूर नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ अभी कल्याण सिंह गांव मड़ौली की जो घटना आ रही है, वहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे आपका। जय श्री राम। नहीं, ये मुझे क्या क्या कहेंगे? जय श्री राम मैं बता तो रहा हूँ। कोई ऐसा विरोध है आपका? कोई भी इंसान इमली का पानी पी के कुछ भी बोल सकता है। एक और नेताजी का कॉन्फिडेंस है और दूसरी ओर विरोध। बाकी फैसला तो 4 जून को होना है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।